डी स्टूडेंट्स अभी जो चीज़ हम आपसे डिस्कस करने लगे हैं ये बेसिकली हैज़र्ड हैं आकोपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के हवाले से जनरल और स्पेसिफिक ख़ास तौर पे इसमें जिस टॉपिक के ऊपर हमारा फोकस होगा वो एल्गोनिक्स है एल्गोनिक्स एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एल्गोनिक्स है क्या बेसिकली एल्गनिक्स की डेफिनेशन भी हम यहाँ इसी में स्टडी करेंगे एगनॉमिक की सेफ्टी से लिंक भी हम अभी स्टडी करेंगे और एर्गोनॉमिक्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी स्टडी करेंगे बॉडी मोशन जो बॉडी की मूवमेंट है एक्टिविटी फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन पेस इश्यूज लिफ्टिंग रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स ये वो चीज़ें हैं जो सेफ्टी के साथ इनका लिंक है अगर ये चारों चीज़ों को देखा जाए तो एर्गोनॉमिक्स में हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें इंसानी सेहत को इफ़ेक्ट कर रही हैं और जब ये चीज़ें इंसानी सेहत को इफेक्ट कर रही हैं आपको मालूम है कि ऑटोमेटिकली इंप्लाई की प्रोडक्टिविटी इंप्लाई की परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफी हद तक कम हो जाते हैं इंट्रोडक्शन टू एर्गोनॉमिक्स एर्गोनॉमिक्स हैज़ कॉट द अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू इट्स सिग्निफिकेंस एज हेल्थ एंड सेफ्टी इशू इन टर्म्स ऑफ मेडिकल कॉस्ट इंप्लाई डेज लॉस्ट फ्रॉम वर्क एंड ह्यूमन सफरिंग ये जो फोर कन्सेप्ट हैं इनकी मदद से जो एगोनॉमिक्स है उसकी इम्पोर्टेंस में इजाफा होता है मेडिकल मेडिकल के हवाले से डी स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो भी ऑर्गनाइजेशन के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके बगैर काम किया नहीं जा सकता और जाहिर बात है कि जब मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे तो इम्प्लाई के ऊपर पैसा स्पेंड होगा उसके लिए कास्ट इनक्रीज होगी और इम्प्लॉज़ का अपना भी लॉस होगा और आपको मालूम है कि इम्प्लॉई काम पर नहीं आएगा जब इम्प्लाई काम पे नहीं आएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का भी लास्ट है उसकी प्रोडक्शन सफर होगी और लास्ट ह्यूमन सफरिंग और इन सब चीज़ों की वजह से आपके ह्यूमन एसेट्स जो हैं इम्प्लाईज जो हैं उनको भी नुकसान हो सकता है डियर स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं एल्गोनॉमिक्स है क्या एर्गोनॉमिक्स टू कंसेप्ट से मिल बना है एर्गोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स एल्गो मीन वर्क एर्गो का मतलब है काम एंड नोमोस मीन द स्टडी और द प्रिसिपल ऑफ़ अब दो चीज़ें हैं पहले हिस्से में इसका मतलब है काम और दूसरे हिस्से का मतलब है स्टडी कि काम की स्टडी स्टडी ऑफ़ वर्क इज रिलेटेड टू एल्गनॉमिक्स इन अदर वर्ड एल्गनॉमिक रेफर्स टू द स्टडी ऑफ वर्क कि जो काम की स्टडी है उसको देखा जाए कि ये एल्गनॉमिक्स को क्या डिफाइन कर रही है एल्गनॉमिक्स इज़ द डिसिप्लिन एग्जामिन दैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशन ऑफ पीपल एल्गनॉमिक्स में ही हम देखते हैं कि हर बंदे की जो कैपेबिलिटीज़ हैं या काम करने की जो एबिलिटीज़ नहीं हैं उन दोनों को स्टडी किया जाता है इसको हम लोग एज अ होल एल्गनॉमिक्स बोलते हैं एल्गोनॉमिक्स इज़ मल्टीडिसप्लिनरी एल्गोनॉमिक इन्वॉल्व नॉलेज ऑफ सोशोलॉजी साइकोलॉजी एंथोपोलॉजी एनाटमी फिजियालोजी कैमिस्ट्री फिजिक्स मकैनिक्स स्टेटिस्टिक्स इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बायो मकैनिक्स एंड एंथोपोमेट्रिक ये जितनी भी डोमेन्स के डीए स्टूडेंट्स मैंने नाम लिए हैं ये बेसिकली फुल फुलज साइंसिस के मजामी हैं अब फुल फ्लैज साइंसिस के जो मजामी हैं उसमें जो नॉलेज है वो ज़्यादातर इन फील्ड से आता है और वो मिल के एलगनॉमिक्स को कम्पाइल करता है एर्गोनॉमिक्स का मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गनइजेशन से भी तल्लक है मल्टी एक से ज़्यादा डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन मीन फील्ड ऑफ स्टडी एक से ज़्यादा फील्ड ऑफ स्टडीज़ के साथ एल्गनमिक्स का तल्लक है और वो फील्ड ऑफ स्टडीज़ के नाम मैंने अभी डी ये स्टूडेंट्स लिए हैं अब इन सब फील्ड ऑफ स्टडी को जब इकट्ठा किया जाएगा तो इसको एज आ होल हम एगनॉमिक्स बोल सकते हैं एल्गनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं मुकासद क्या हैंम्स क्या हैं गोल्स क्या हैं द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्गनॉमिक्स इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ के जी अहम की पॉइंट है कि ह्यूमन हेल्थ ह्यूमन सेफ्टी ह्यूमन परफॉर्मेंस अगर ह्यूमन हेल्थ बेहतर है ह्यूमन सेफ्टी बेहतर है तो आप मुझे डी एस स्टूडेंट खुद बताएँ क्या उस आर्गनाइजेशन की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी डेफिनेटली बेहतर होगी और तो जब परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो इंडिविजुअल परफार्मेंस बेहतर होगी डिपार्टमेंट्री परफॉर्मेंस बेहतर होगी परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटिलिटी इनहस हो जाएगी एलोनॉमिक पिन पॉइंटिंग एलगोनॉमिक ट्रॉइड ऑफ नंबर वन रिक्शन नंबर टू अवेल्यूएशन नंबर थ्री कंट्रोल ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाने के लिए अपना रोल प्ले करता है रिकग्निशन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ही पहला पॉइंट है अगर आप उसको आइडेंटिफाई ठीक कर लिया तो कंट्रोल भी अवेल्यूएट भी ठीक कर लेंगे कंट्रोल भी ठीक कर लेंगे रिकग्निशन ऑफ एगोनॉमिक यूजली इन्वॉल्व रिसर्च फॉर द सिम्टम्स जैसे मेडिकल साइंस में होता है इफ़ इज दर एनी पेशेंट इज नॉट फीलिंग वेल उसकी जो डिजीज है उसको देखा जाता है क्या डिजीज़ है क्यों कब कहाँ कैसे फिर उस डिजीज की सिम्टम्स क्या हैं उन सिम्टम्स को चेक किया जाता है फिर उनको क्योर करने के लिए मेडिसिन प्रस्क्राइब की जाती है जब वो सिम्टम्स को काजिज को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है अप्लाइंग एगोनॉमिक्स एंड ओवरव्यू साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एंड पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस मस्कुलर स्ट्रेन आगे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड जनरल कंप्लेंट्स आर टिपिकल ऑफ एर्गोनॉमिक प्रॉब्लम जो मेन एर्गोनॉमिक प्रॉब्लम है उसमें मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस है अगर आप मेंटल स्ट्रेस इम्प्लॉ को ना दें तो चांसेस है कि फिजिकल स्ट्रेस भी उसको नहीं मिलेगा एप्लॉय एर्गोनॉमिक्स इन डिटेल ऑपरेटर मशीन सिस्टम सबसे ज़्यादा जो मशीन ऑपरेटर है जो उसको फर्स्ट लेवल पे हैंडल कर रहा है अगर वो बंदा मैंटली फ्री नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी किस्म का लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है ये डी ए स्टूडेंट स्लाइड्स मैंने आपके लिए टाइप की है इसको हम देखते हैं ऑपरेटर मशीन सिस्टम अनाल ऑपरेटर द पर्सन हु विल ऑपरेट द मशीन मशीन जो कि फिजिकल इक्विपमेंट है अब इन दोनों का अनालिस हमने करना है बेसिकली ऑपरेटर मशीन सिस्टम अनालिस एग्जामिन फैक्टर्स एसोसिएटेड विद पीपल इक्वपमेंट मशीनरी वो चीज़ें जो इंसान जो ऑपरेटर है और मशीन के साथ जो चीज़ें लिंक्ड हैं इन दोनों की स्टडी को एनालाइज करने का नाम है और उसके एन्वायरमेंट को जिसके अंदर वो चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं फर्ज़ करें ये एक अनवामेंट है आई एम द ऑपरेटर एंड इन माई फ्रेंड द मशीन अगर ये तीनों चीज़ें सपोर्ट करेंगी तो चांसेस है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम ठीक होगा अगर ये तीनों चीज़ें ठीक तरह से काम नहीं करेंगी तो चांसज है कि वो काम ऑर्गेनाइजेशन की फेवर में नहीं होगा